नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कल जिस दाढ़ी वाले का नाम नवाब मलिक बार बार ले रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे, नवाब मलिक ने उस दाढ़ी वाले काशिफ खान का वीडियो भी अब जारी कर दिया है। हम आपको ये बता दें कि ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, इसे नवाब मलिक ने दरअसल जारी किया है। बाद में काशिफ खान सामने आए और आज तक पर उन्होंने कहा कि उनका कोई इस पूरे मामले से लेना देना नहीं है, पार्टी के आयोजक को वो नहीं जानते हैं, जांच में हर सहयोग को भी वो तैयार है। तो उधर वानखेड़े ने कहा है कि नवाब मलिक के सारे आरोप झूठे हैं, यानी ड्रग्स कांड रोज रोज नए खुलासों की फाइलों से और हंगामेदार होता जा रहा है। तो दो तस्वीरें आपको हम देखिए दिखा रहे हैं। एक तरफ आप वीडियो देख रहे हैं उस क्रूज का, जिसमें काशिफ खान मौजूद हैं और जिनको लेकर नवाब मलिक ने कई गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने साफ तौर पर कहा कि ये वो शख्स है काशिफ खान, जो कि ड्रग्स भी बेचता है, ड्रग्स कारोबारी है, बकायदा पेडलर है, ड्रग पेडलर है और सेक्स रैकेट चलाता है। और ये आपको हम बता दें कि सफाई जब इनसे बातचीत हुई, ये बाद में सामने आए और आज तक से काशिफ ने खुलकर बातचीत की है, सारे आरोपों को खारिज किया है और साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, पूरी तरह से जांच में भी वो सहयोग करने को तैयार है। आपको थोड़ी देर में हम काशिफ की सफाई भी सुनाएंगे, लेकिन नवाब मलिक के गंभीर आरोप और इस बीच ये वीडियो आज नवाब मलिक ने जारी किया है। तो क्रूज पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो काशिफ खान की देख रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि काशिफ खान जिस क्रूज पे मौजूद हैं, दरअसल ये वही पार्टी है जिसमें आर्यन खान भी मौजूद थे और यहां पर 13 लोगों से पूछताछ हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाकी लोगों को जाने दिया गया। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ये नवाब मलिक ने पूछा। समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं, क्या उसकी गिरफ्तारी से इनके राज खुलने वाले हैं? हमें लगता है इतना दलदल है इसमें कि जितनी खोज की जा रही है उतने सारे मामले सामने आते जा रहे हैं। Never met him, I've never spoken to him, I've never even come across him. If again the honorable minister is saying that I'm very close or friends with him, I think again he's being misled, misinformed. काशिफ खान को आप जानते हैं क्या? आप आरोप लगाए महाराष्ट्र के मंत्री ने कि आप उनको जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई, एंड आई कैन नॉट कमेंट, सॉरी। एक बात मैंने कही थी कि दाढ़ी वाला कौन है, वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान। फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है, उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है, बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। I'm not at all the organizer of this party. The organizers are from Delhi, a company from Delhi that has been organized this event. I'm no related to any organization of this event at all. You can check with Cordelia Ship Cruise Owners. You can check up with anyone you want and you would be very clear that I have Fashion TV India was not at all the organizer of this. The organizer of that cruise ship event was a company from Delhi. You can check with Cordelia Cruises. You can check with anyone who you think is the right authority board and you will know the facts and figures. मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है, इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है। I can only say that he's completely being misinformed and misled by whoever is giving and telling him all of this. I request him to look into the facts correctly. I have never been associated with any kind of any drugs, any substances, any pornography act or anything anywhere in the past. समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया।
तीन दिन पहले मैंने सवाल उठाए थे, ईमानदार अफसर काशिफ खान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? Forget meeting him. I haven't even come across him or seen him in personal anywhere. I don't know him. I don't know anything about him as far as just as being an officer on NCB. Apart from that, I don't know anything of him. I've never met him. I've never spoken to him. I've never even come across him. तो आपने सुना, काशिफ खान को भी सुना, तो चलिए एक बार फिर से आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं जो कि नवाब मलिक ने जारी किया है। ये देखिए, आप एक तरफ देख रहे हैं उस वीडियो को, उस क्रूज शिप जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल मचा, आर्यन खान अरेस्ट हो गए, उसके अलावा तमाम और भी कई लोग अरेस्ट हुए, जिसके बाद कई खुलासे नवाब मलिक एक के बाद एक करते गए, जिसके बाद एक दाढ़ी वाले का जिक्र उन्होंने किया, बाद में नाम भी जारी किया काशिफ खान के तौर पर, और यहां तक कहा कि अगर समीर वानखेड़े इस दाढ़ी वाले के बारे में नहीं बताते हैं तो मैं खुद ये वीडियो जारी कर दूंगा, और अब ये वीडियो भी जारी कर दिया है। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं आज तक पर, दरअसल वो नवाब मलिक ने जारी किया है, और नवाब मलिक का दावा है कि काशिफ खान समीर वानखेड़े का दोस्त है और इसी वजह से काशिफ खान की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि काशिफ खान को समीर वानखेड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि काशिफ खान जो है वो ड्रग पेडलर भी है और बहुत बड़ा सेक्स रैकेट भी चलाता है। तो तमाम तरह के गंभीर आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं। इन तमाम आरोपों के बीच आपको हम बता दें, काशिफ खान जो है वो सामने आए और उन्होंने आज तक पर और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। Amused and very surprised and shocked for this allegations or say by the Honorable Minister, Mr. Nawab Malik. He's a highly respected and a very powerful figure in this country. I can only say that he's completely being misinformed and misled by whoever is giving and telling him all of this. I request him to look into the facts correctly. I have never been associated with any kind of any drugs, any substances, any pornography act or anything anywhere in the past. मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मुस्तफा, देखिए दो बातें अभी सामने आई है, एक तरफ वो वीडियो नवाब मलिक के आरोप और दूसरी तरफ खुद काशिफ जो है वो सामने आकर कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, मैं समीर वानखेड़े को जानता तक नहीं हूं। क्या कुछ और जानकारी इस बात में, कितनी सच्चाई और क्या कुछ कहा है काशिफ ने, अगर और आप बता पाएंगे? जी बिल्कुल, काशिफ ने इन सारे आरोपों से नकार तो दिया है, साथ ही ये भी कहा है कि नवाब मलिक के खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। जो भी बातें उनने काशिफ के खिलाफ कही है उसके लिए आरोप नवाब मलिक की तरफ से लगाए गए हैं, आरोप काशिफ खान के ऊपर है, समीर वानखेड़े के ऊपर है। लेकिन अब इस आरोपों की तफ्तीश कौन करेगा? क्या मुंबई पुलिस करेगी या फिर एनसीबी की जो विजिलेंस टीम बैठी हुई है वो करेगी? क्योंकि अभी तक ऑन रिकॉर्ड अगर आप देखें तो काशिफ का नाम कहीं भी क्रूज ड्रग्स केस में सामने नहीं आया है। उनका वीडियो जरूर जारी किया गया लेकिन उनका स्टेटमेंट हुआ हो या बाकी कोई ऐसी चीजें हैं वो अभी तक सामने नहीं आई थी। आज से पहले काशिफ क्रूज पर मौजूद थे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आरोपी है, क्योंकि क्रूज पर कई हजारों लोग उस वक्त इनवाइटेड थे। तो इस पूरे एलिगेशन के आगे क्या निकल कर आता है ये देखना होगा, क्योंकि तथ्य इस पूरे एलिगेशन में निकलता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या काशिफ के खिलाफ पहले के कोई क्रिमिनल केसेस है एनसीबी के या मुंबई पुलिस के, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और क्या दूसरी बात, जो एलिगेशन नवाब मलिक की तरफ से किए गए हैं उसमें एनसीबी विजिलेंस टीम काशिफ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है या फिर मुंबई पुलिस की टीम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, उसके आगे प्रोसेस क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल के स्टेज पर यह लग रहा है कि नवाब मलिक की तरफ से समीर वानखेड़े और काशिफ अली खान काशिफ खान के विरोध में ये सिर्फ आरोप है। बिल्कुल, साथ ही मुस्तफा जानना चाहेंगे काशिफ के बारे में, कहाँ की नेशनलिटी है, कहाँ काशिफ रहता है, क्या काम करता है, इसके बारे में कोई अलग से जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, जितनी जानकारी हमने इकट्ठा की है, फैशन टीवी इंडिया के हेड है काशिफ और ये कहना है उनका कि किसी तरीके की स्पॉन्सरशिप क्रूज पर जरूर थी लेकिन क्रूज पार्टी उन्होंने या फैशन टीवी ने ऑर्गेनाइज नहीं की थी, उनका इतना ही ताल्लुक है। मुंबई पुलिस और बाकी की एजेंसियां अब उनके बारे में और डिटेल्स निकालने में जुटी हुई हैं कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी नेशनलिटी है, उनके खिलाफ क्या पहले के कोई क्रिमिनल केसेस हैं, क्योंकि ये सारी जानकारी सामने आने के बाद ही ये एस्टेब्लिश हो पाएगा कि समीर वानखेड़े और काशिफ के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो वो क्या है। लेकिन अभी अगर फिलहाल पे आप देखें तो सिर्फ एक क्रूज पे जो पार्टी कर रहे थे उसका वीडियो सामने लाया गया है, एलिगेशंस किए गए हैं लेकिन अभी तक कुछ फैक्ट के तौर पर सामने नहीं आ पाया।
बिल्कुल फैक्ट के तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन गंभीर आरोप लगाए हैं नवाब मलिक ने। और इसके अलावा देखिए ये वीडियो आपको हम बार बार दिखा रहे हैं, दरअसल ये वीडियो नवाब मलिक ने जारी किया, और ये वीडियो जारी करने से पहले नवाब मलिक पहले ही समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगा चुके थे, जिसमें ये कहा था कि कौन है वो दाढ़ी वाला, जरा समीर वानखेड़े इसके बारे में बताएं, और अगर वो नहीं बताते हैं तो मैं नाम भी जाहिर करूंगा और साथ ही साथ एक वीडियो भी सामने लेकर के आऊंगा। और धीरे धीरे नवाब मलिक ने नाम भी बताया और अब ये वीडियो भी सामने लेकर आए। नवाब मलिक ने काशिफ खान का वीडियो तो जारी किया है, साथ ही ये समीर वानखेड़े पर ताबड़तोड़ कई आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि वानखेड़े के परिवार से भी सवाल पूछे, एक दिन पहले वानखेड़े की पत्नी ने सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी। समीर दाऊद वानखेड़े को एंटी करप्शन के चार्जेज में या उगाही के चार्जेज में पुलिस को गिरफ्तार करना होगा तो उन्हें 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। तो पूरा सीक्वेंस बदल गया है, पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पकड़ाने वाले पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये एक प्रॉपर कोई फंडेड ऑपरेशन है, ऑपरेशन जैसे बोलते हैं ना डिसमिस समीर वानखेड़े टाइप, ऐसा कोई एक ऑपरेशन चल रहा है कि उस आदमी को बाय हुक और बाय क्रूक उस कुर्सी से उन लोगों को हटाना ही है ताकि वो अपना काम पूरा नहीं कर सके, क्योंकि पता नहीं शायद कुछ बड़े बड़े नाम बाहर निकले, पता नहीं किसके क्या रिलेशंस बाहर निकले। ये दाढ़ी वाला कौन है, इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है, और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। नवाब जी के बारे में अगर मैं बोलूं तो वो जल्दी ही कुछ भी और भी ला सकते हैं, तो आपको थोड़े दिन का इंतजार करना पड़ेगा, वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनको उनका काम ही वो है अभी समीर वानखेड़े को इस कुर्सी से हटाने की, जो उन्होंने पब्लिक घोषणा की थी, ये गुंडागर्दी जो उनकी चल रही है ये टोटल गुंडागर्दी है, वो चाहते हैं कि इस कुर्सी पे वो ना रहे ताकि ये जांच नहीं चलती रहे और उनका दामाद जो है वो बेगुनाह होकर छूट जाए। लेकिन ये सिस्टम है, ज्यूरिसडिक्शन है, अभी तक तो मुझे सिस्टम पे विश्वास है, लेकिन अगर समीर वानखेड़े इस कुर्सी से हट जाते हैं तो मेरा इस सिस्टम से भी विश्वास हट जाएगा। डर लगने लगा है, कल उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री महोदय को उन्होंने एक पत्र लिखा है कि हम मराठी हैं, हमें मराठी होने के नाते आप सहायता करें, हमारी मदद करें। नवाब मलिक का परिवार भी 70 सालों से इस शहर में है, 59 का मेरा जन्म है, महाराष्ट्र के निर्मिति के पहले से परिवार तो ठीक है, नवाब मलिक भी इसी राज्य का एक नागरिक है, तो क्या नवाब मलिक महाराष्ट्र का नहीं, नवाब मलिक मराठी नहीं। Yes, निकाह हुआ था, लेकिन समीर वानखेड़े ने लीगली अपना रिलीजन, अपना कास्ट कभी भी चेंज नहीं किया था। पहली वाली जो उनकी एक्स वाइफ है उनकी भी इज्जत के लिए ये खराब है, मेरी भी इज्जत के लिए खराब है। ये जब मंत्री पद लेते हैं तब अपनी जो ओथ ली थी वो टोटली उसको जोपर्डाइज कर रहे हैं, अपना पूरा उसको आप एक मतलब आप उसको तोड़ रहे हैं, और ये चाहते हैं आपके लोगों की निजी लाइफ पब्लिक हो जाए, तो ये आप टोटली आपकी ओथ के खिलाफ बिहेव कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। जल्द ही 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों के साथ 2-व्हीलर पर सफर करने के नियम बदलने वाले हैं। अगले साल से छोटे बच्चों को बिना हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस के दोपहिया वाहन पर नहीं ले जाया जा सकेगा। छोटे बच्चों के साथ 2-व्हीलर चलाने के लिए यातायात के नियम बेहद कड़े करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। अगले साल से 2-व्हीलर पर छोटे बच्चों के साथ सवारी करने वाले लोगों को नए ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। यातायात के ये नए नियम उन लोगों पर लागू होंगे जिनके साथ दोपहिया पर 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे होंगे। नए नियमों के तहत अगर किसी 2-व्हीलर पर इतने छोटे बच्चे सवार हैं, तो फिर उनके लिए सुरक्षा पेटी
और हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ऐसे दोपहिया वाहन की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए के चालान और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंड करने का प्रावधान किया जा सकता है। सेफ्टी हार्नेस को लेकर भी काफी विस्तार से जानकारी मिली है। ये सुरक्षा पेटी एडजस्ट की जा सकेगी और कंधों से एक जोड़ी स्ट्रैप के लूप के जरिए ड्राइवर के साथ इसे बांधा जा सकेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के तय किए गए मानकों पर इस हार्नेस को खरा उतरना होगा। इन मानकों में वजन एडजस्ट करने की छूट, वाटरप्रूफ और मजबूती को शामिल किया जाएगा। हार्नेस को केवल नायलॉन या मल्टीफिलामेंट नायलॉन से बनाया जा सकेगा और ये 30 किलो तक के वजन को संभालने के लायक होगी। इन नए नियमों को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में संशोधन के बाद कानून में शामिल किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में सड़क परिवहन और यातायात मंत्रालय ने इसका ड्राफ्ट लोगों की राय जानने के लिए जारी किया था। अब एक बार ड्राफ्ट के फाइनल हो जाने के बाद इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा। इस नए नियम के लागू होने से टू व्हीलर्स पर सफर करने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा जरूर बढ़ेगी, लेकिन शुरुआत में बच्चों में इसकी आदत डालने में माँ बाप को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी तय है कि इन नियमों के अमल में आने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे जान माल का नुकसान भी कम किया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। दशहरे के दौरान गोल्ड खरीदने वालों ने बीते 20 बरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार धनतेरस पर सोने की बिक्री 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसकी वजह है कि धनतेरस पर पारंपरिक खरीदारी करने वालों के साथ ही कोरोना काल में पैसा बचाने वाले लोग भी जमकर ज्वेलरी खरीद सकते हैं। फेस्टिव सीजन में देश में क्या नहीं बिकता? गाड़ियां बिकती हैं, घर बिकते हैं, मोबाइल समेत तमाम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बिकते हैं। देश में साल भर में होने वाली कुल बिक्री का 30-40% सामान त्योहारों के दौरान बिकता है। इस बार तो हर सामान की बिक्री नए रिकॉर्ड बनाने को बेताब है। कुछ इसी तरह सोने की बिक्री भी इस बार हर रिकॉर्ड तोड़ने को बेकरार है। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद घटी कीमतों ने जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ाई है, उसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है। कॉटन पॉलिश के अंदर 27.74 का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और सिल्वर ज्वेलरी के अंदर 153.98% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्लेटिनियम ज्वेलरी में बहुत अच्छा डिमांड अमेरिका के अंदर होने के कारण 234.84% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्टेडेड गोल्ड ज्वेलरी में भी बहुत अच्छा 64.42% और लेब्रोन डायमंड के अंदर भी बहुत अच्छी डिमांड है, 212% का ग्रोथ अभी देखने को मिल रहा है। दरअसल फेस्टिव सीजन में नवरात्र से लेकर दिवाली और भाई दूज तक सोने की खरीदारी को शुभ समझा जाता है, लेकिन त्योहारों के सिलसिले के बीच धनतेरस सोने की खरीदारी का सबसे बड़ा दिन है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक धनतेरस में सोना पिछले 40 साल की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। IBJA के मुताबिक दशहरे में सोने की बिक्री 20 साल में सबसे ज्यादा रही है। IBJA के आंकड़ों के मुताबिक पिछली धनतेरस पर 40 टन सोने की बिक्री हुई थी, जो 2019 से करीब 30% ज्यादा थी। 40 टन सोने की कीमत 2020 में 20,000 करोड़ रुपए के करीब थी, जबकि 2019 में बिके सोने की कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस साल शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जोरदार बिक्री होगी। बिक्री के बढ़ने की एक बड़ी वजह लॉकडाउन के दौरान घर में रहने पर हुई बचत भी है। काफी लोग बीते 1.5 साल से घरों में रह रहे हैं और देश या विदेश में कहीं घूमने नहीं गए हैं। इसके अलावा इस दौरान लोग आयोजनों से भी दूर रहे हैं, रेस्टोरेंट और आउटिंग जाना भी काफी हद तक बंद रहा है। ऐसे में शादी ब्याह और पारंपरिक बिक्री के साथ ही इस बचे पैसे से भी लोग सुरक्षित और फायदेमंद निवेश के लिए गोल्ड की खरीदारी करेंगे। आदित्य के राणा, आज तक।